वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आई है गाड़ी हमारे पास वैगनार के सीरीज़ 2014-15 का मॉडल, और गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से दिक्कत आई है गाड़ी में। तो सबसे पहले गाड़ी में करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले गाड़ी के मीटर देखना है कि मीटर पे कौन सी लाइट आ रही है और कौन सी लाइट नहीं आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 80% गाड़ी की प्रॉब्लम मीटर से सॉल्व हो जाती है और प्रॉब्लम भी मालूम चल जाती है कि गाड़ी में हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो चाबी ऑन करते हैं गाड़ी की। तो फ्रेंड्स, चाबी ऑन हो चुकी है, तो मीटर में आप देख सकते हो उसमें पावर स्टेयरिंग, हैंड ब्रेक, मोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, चेक इंजन लाइट और ताली की लाइट जो आती है वो लाइट नहीं आ रही है। चेक इंजन लाइट और ताली की लाइट आएगी, वो लाइट इसमें नहीं, दोनों लाइट नहीं आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो गाड़ी में ना ही मोटर चल रही है पेट्रोल वाली। तो गाड़ी को सेल्फ लगा के दिखाते हैं। गाड़ी में सेल्फ मार रहे हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, गाड़ी स्टार्ट हो रही है फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आगे चल के जो उसका फ्यूज बॉक्स में जो रिले लगी रहती है और फ्यूज होता है, तो फ्यूज को चेक करेंगे कि हमारा फ्यूज और रिले सही है या नहीं है, और उनमें 12 वोल्ट सप्लाई और ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं इंजन में। तो गाड़ी का हमारा मीटर अभी ब्लैंक है। पावर स्टेयरिंग, हैंड ब्रेक, मोबाइल, चेक लाइट और इमोबिलाइजर की लाइट जो होती है, ताले वाली लाइट, वो गाड़ी की गोल है और गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी जब तक इसमें चेक लाइट नहीं आएगी। तो इंजन में चलते हैं, चाबी हमारी ऑन है। तो फ्रेंड्स, चाबी हमारी ऑन है। तो ये रहा हमारा फ्यूज बॉक्स, ये फ्यूज बॉक्स रहा हमारा, और इसमें सबसे लास्ट में है FI मेन। ठीक है, ये रिले हो गई हमारी ECM की सबसे लास्ट वाली। ठीक है, और इसमें जो फ्यूज हमारा FI, ये लगा इसमें FI। ठीक है, ये हमारा ECM की रिले का फ्यूज है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले फ्यूज चेक करते हैं इसका और रिले चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो 15 एम्पियर का हमारा फ्यूज है पहले नंबर। तो ये रहा हमारा फ्यूज, तो चेक करते हैं इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो टेस्टर लगा दिया है, तो फ्रेंड सप्लाई इसमें हमारी फ्यूज में आ रही है और ये सप्लाई आ रही, फ्यूज हमारा ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब रिले में चेक करेंगे कि 12 वोल्ट हमारा 30 नंबर पे और 85 नंबर पे। ठीक है, 12 वोल्ट हमारा आना चाहिए इन दोनों में। ठीक है, तो टेस्टर को नेगेटिव वाले टर्मिनल में लगा लिया है। तो सबसे पहले इसका 12 वोल्ट इसमें चेक करेंगे 30 नंबर पे। तो फ्रेंड्स, इसमें 30 नंबर पे हमारा 12 वोल्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, अब 85 में भी हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, 85 में भी हमारा 12 वोल्ट आ रहा है और 30 में 12 वोल्ट आ रहा है। तो ECM की रिले ऑपरेट इसकी नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, ECM रिले ऑपरेट करने के लिए 2 12 वोल्ट और 1 ग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो ये 12 वोल्ट हमारे इसमें 2 आ रहे हैं। तो अब टेस्टर को 12 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव वाले में लगा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें जो ग्राउंड आना चाहिए ECM रिले से, जो ग्राउंड आता है 86 पे, तो वो ये ग्राउंड हमारा नहीं आ रहा है इसमें। फ्रेंड्स, इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, फ्यूज भी हमारा सही है और रिले भी हमारी सही है, और इसमें ग्राउंड रिले जो आता है वो ग्राउंड नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम दिखाते हैं गाड़ी में, प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो गाड़ी के नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी के नीचे आ चुके हैं, तो आप इसमें फ्रेंड देख सकते हो, इसमें ये जो हमारा ग्राउंड है, ये सामने ग्राउंड लगा हुआ है, इसका बोल्ट खुल चुका है और ये दोनों ग्राउंड हमारे अलग हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये ग्राउंड हमारे अलग हो चुके हैं, ये ग्राउंड जो होते हैं हमारे ECM के ग्राउंड होते हैं फ्रेंड्स, ये ग्राउंड हमारे अलग
निकल चुके हैं, बुल्ड खुल गया होगा इनका, तो ये ग्राउंड हमारे बाहर आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन ग्राउंडों को पहले लगवाते हैं, उसके बाद में देखते हैं हमारी गाड़ी में चेक लाइट और ताले की लाइट आई या नहीं आई, तो इन ग्राउंडों को पहले कसवाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ग्राउंड खुला हुआ था, इस ग्राउंड को बुल्ड से कसवा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चल के देखते हैं कि हमारी गाड़ी में चेक लाइट और GCM रिले पर जो ग्राउंड नहीं आ रहा था वो ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते गाड़ी के बाहर। तो गाड़ी के बाहर आ चुके हैं, तो चाबी ऑन करते हैं। ये चाबी हमारी ऑन हो चुकी है और तीन लाइटें इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें ग्राउंड जो रिले पर गोल था वो ग्राउंड हमारा आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये टमनर हमारा पॉजिटिव वाले में लगा हुआ है, जो 86 पे जो ग्राउंड नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें 12 बोल्ट हमारा ग्राउंड आने लगा है, इसमें ग्राउंड हमारा 12 बोल्ट आने लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें रिले लगा के देखते हैं, रिले हमारी टक टक कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि रिले एक्टिवेट होगी तो टक टक बोलेगी। तो फ्रेंड्स, ये रिले हमारी बोल चुकी है, तो दिखाते हैं मीटर में। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हो इसमें ताले की लाइट आ चुकी है हमारी, और चेक इंजन लाइट जो गोल थी हमारी वो भी लाइट आ चुकी है। जो दोनों लाइटें हमारी नहीं आ रही थी इसमें, तो ये दोनों लाइट हमारी आ चुकी हैं, और पीछे से टैंक की मोटर की भी आवाज़ आ चुकी है। और इसमें ये जो लाइट झंडे वाली जो लाइट आ रही है, टेम्परेचर की लाइट जो आ रही है, पहले टेम्परेचर की लाइट भी हमारी नहीं आ रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइट भी आ गई, चेक लाइट, सिक्योरिटी की लाइट आ गई। तो गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सारी लाइटें जा चुकी हैं मीटर में से, काम हमारा परफेक्ट तरीके से हो चुका है। क्योंकि गाड़ी की जो प्रॉब्लम जो गाड़ी में आती है वो मीटर से ही मालूम चल जाती है गाड़ी में दिक्कत क्या है, क्योंकि मीटर से सारी प्रॉब्लम 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।